बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है, जिसमें हम 5 अदद अंडे डाल देंगे। और ये अंडे स्मॉल साइज़ के हैं, मीडियम साइज़ के हों तो 3 अदद ले लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सब्ज़ियाँ। सब्जियों में मैंने कटे हुए टमाटर लिए हैं, जो कि हैं 1 खाने का चम्मच, जिसके मैंने सीड्स निकाल लिया था और बिल्कुल छोटा छोटा काटा हुआ है। यह है येलो वाली कैप्सिकम 1 खाने का चम्मच, इसके अलावा कटी हुई प्याज 2 खाने के चम्मच, और ये है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई 2 खाने के चम्मच, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। इन तमाम चीज़ों को अंडों में डाल देंगे। तो ये तमाम सब्जियां मैंने डाल दी हैं इसमें। अब इसमें जाएंगे सॉसेजेस, जो कि चिकन सॉसेज हैं। इसको मैंने बॉयल किया हुआ है और बॉयल करके मैंने इसको काट लिया था। ये सैंडविचेस वगैरह में, ब्रेकफास्ट की रेसिपीज में बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये डाल देंगे हम इसमें। तो ये सॉसेज चले गए हैं इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो नमक मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, और ये है गार्लिक पाउडर 1/4 चम्मच, जो कि ऑप्शनल है। ये तमाम चीज़ें डाल देंगे हम इसमें। तो ये तमाम मसाले डाल दिए हैं मैंने इसमें। अब जाएगी इसमें मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, जिसको मैंने श्रेड किया हुआ है। ये मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1/4 कप है मोज़रेला चीज़ और 1/4 कप है चेडर चीज़। अच्छा, ये दोनों चीज़ों में से मैं अभी थोड़ी थोड़ी सी डाल रही हूँ और बाकी की उठा लेंगे, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये चली गई है चेडर चीज़ इसके अंदर, और अब इसमें जाएगा दूध, और दूध का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें तकरीबन 1/4 कप का। ये डाल देते हैं। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्सर हमारा रेडी हो गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे फ्रेंच ब्रेड्स ले ली हैं, जो कि आपको इजीली मिल जाती हैं मार्केट में बनी बनाई। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करूँ फ्रेंच ब्रेड की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैंने 2 अदद ली हैं, जितनी आपको बनानी है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं फ्रेंच बोर्ड्स, तो ब्रेकफास्ट बोर्ड्स के लिए बनाने के लिए हम इसको बीच में से इस तरह से कट करेंगे। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है, इसको हम निकाल देंगे। आप इसको किसी भी यूज़ में ले सकते हैं, बस इसे हमने एक बोट की तरह बनाना है। बीच वाले सेंटर पार्ट को इस तरह से हम खाली कर देंगे काट के। तो ये रेडी हो गई हैं, आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पैन को प्रीहीट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मक्खन या फिर तेल। तो मैं यहाँ पे मक्खन का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मैंने डाला है 1/2 चाय का चम्मच, और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। ये अनसॉल्टेड बटर है, तो आपकी मर्ज़ी है इसमें ऑयल लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इस फ्रेंच ब्रेड को रख दिया है। अब जो ये हमने फ्रेंच ब्रेड के बीच वाला हिस्से को खाली किया है, इसमें हम डालेंगे इस मिक्सर को, और इस मिक्सर के साथ इसको फिल कर देंगे। अच्छा जी, मैंने इस रेसिपी को तवे पर बनाया है, क्योंकि हर किसी के पास ओवन की सहूलत नहीं होती है, लेकिन ये ओवन में काफ़ी जल्दी से बन जाता है और ख़ूबसूरत सा बनता है। तो अभी हमने तवे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है, और ये मैंने सारा मिक्सर डाल दिया है इसमें। अब इसमें जाएगी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, तो थोड़ा सा इसके ऊपर डाल के इसको कवर कर देंगे चीज़ के साथ। तो चीज़ मैंने डाल दी है, अब इसको हम कर देते हैं कवर, और 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे लो फ्लेम पे। और एल्युमिनियम फॉइल लगाने से काफ़ी अच्छे से हीट आएगी इसमें, तो मैंने इसको इससे कवर किया है। और इस एल्युमिनियम फॉइल को भी हम साइडों से सना से दबा देंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी हीट बाहर ना आए। और ये हो गया है कवर। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं इसे। और ये देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारा ये कुक हो चुका है, और चीज़ भी इसकी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको कर लेते हैं कट, और अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं ओरिगैनो, या फिर थोड़ा सा हरा धनिया, जो आपके पास सहूलत हो जिस चीज़ की आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पार्सले डाल दिया है, और इसको अब हम कर लेते हैं कट। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो नॉर्मल ब्रेड के साथ भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पर मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में, जब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।